मैनेजर ने बोला आप लोग डेडिकेटेड नहीं थे इंस्टीट्यूट पर के प्रति। हम पढ़ाते थे ना, नल थोड़ी सही करते थे वहां इंस्टीट्यूट में। उनका एम सर के डेडिकेशन का मतलब जानते हो क्या, कि आप वहां के नल सही करिए, है ना, मान लीजिए टॉयलेट खराब हो जाए तो वहां की सीट सही करवाइए, ये सब उनका डेडिकेशन था। पोछा लगा कि नहीं चला है, कैंटीन में कितनी पेटीज बिकी इसका हिसाब रखिए, ये सब एम सर का, आशीष महेश्वरी का डेडिकेशन यही सब था। मतलब डेडिकेशन के बारे में उस व्यक्ति का ये था कि आप कितनी देर बैठे रहते हैं, क्वालिटी वर्क क्या करते हैं उससे उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं। अब तुम्हारे घर में कोई काम नहीं, तुम दिन भर बैठे रहो ना, तुम 28 घंटे बैठे रहो 24 में, तुम खाली हो तो यार क्या करें, हम खाली नहीं है ना। हम क्लास में पढ़ाते थे ना, क्लास में जितना पढ़ाते थे क्लास में उतना पढ़ाने की औकात वहां किसी की नहीं थी, समझ रहे हो। क्लास में जितना पढ़ाते, जिसमें हम क्लास में होते थे ना 1.5 घंटे, उसमें हम क्लास में जितनी मेहनत करते थे उतनी क्लास में पढ़ाने की औकात वहां पे किसी की नहीं थी। किसी की नहीं मतलब किसी की नहीं, जाक पता कर लेना, है ना। तभी जनता जो है सपोर्ट करती थी, बच्चे वहां पढ़ने आते थे, पेटीज खाने थोड़ी आते थे कि दिन में बैठ गए पेटीज खिलाओ उसमें 2 रुपए कमीशन मारो, है ना, उसी को डेडिकेशन बोलते थे, ठीक है ना, उनके लिए वही डेडिकेशन था। उनके लिए वही डेडिकेशन था कि मतलब कौन कितनी देर कितनी पेटीज खा के गया उसका कमीशन कितना आया। छोटी टेंडेंसी कौन सी थी, आशीष महेश्वरी से एक बात पूछी थी बताना, तुम तो आशीष महेश्वरी से एक बात पूछ लेना। अगर तुम एक व्यक्ति मान लो ये विराट, तुम अगर सही में मान लो बहुत बड़े व्यक्ति हो ना, विराट एम सर से एक जग बात पूछना, आशीष महेश्वरी से पूछना, ये बताओ जब तुमने फर्स्ट दिन एसकेसी सर को और एकेएम सर को जोड़ करके लाए थे तो तुम उनको बना के लाए थे डायरेक्टर, उनको वाइस प्रेसिडेंट क्यों बना दिया था, ये पूछ लेना। धोखा सबसे पहले किसने दिया ये पूछ लेना, एम से पूछ लेना कि भाई ये बताओ कि सबसे पहले तुम रातों रात जाकर के गए थे कि आओ मेरे यहाँ कोचिंग में आ जाओ, है ना, जब तुम्हारी सर्वोत्तम बंद होने वाली थी, कई लोग टूट के चले गए तेलंग में, तुम रातों रात आए थे कि एक एम सर आप चल लो प्लीज, है ना, इसके सर आप चल लो, सुबह सुबह हम लोग आ गए थे, तुमने कहा था हम आपको पार्टनर बनाएंगे ये करेंगे और आपने बना दिया वाइस प्रेसिडेंट, जरा पूछना ऐसा धोखा क्यों दिया, है कोई जवाब। फर्स्ट डे से धोखेबाज आदमी है, सबसे धोखेबाज आदमी के लिए इसने वही चार है, एक जेसी है, एक एएम है, एक एलबी है, है ना, नहीं 60 डायरेक्टर डिसीजन नहीं था, जीएसटी सर हमें लेके गए, तुम कुछ पता ही नहीं ना विराट कोहली, तुम यहाँ बातें करके आ रहे हो, जीएसटी सर तो हमें लेकर गए थे डीट साइन कराने के लिए, लेकिन सबसे धोखेबाज आदमी उनमें से चार है, वही चार देखो पोस्टर तुम्हें दिखेंगे, चार है धोखेबाज, सबसे बड़े धोखेबाज आदमी, ये सबसे बड़े धोखेबाज आदमी, ये सिर्फ बैठ के साजिशें रचते रहते, दिन भर बैठ के साजिशें रचते, इसीलिए बंद हुआ है। चलो टॉक से तुमने खोली दिया तो यही सुन लो टॉक से, तुमने जब टॉक शो में आएगा है ना प्रूफ के साथ आएगा ना, कि बताओ उनको क्या बना के लाए थे, उनको वाइस प्रेसिडेंट क्यों बना के, पार्टनर बना के लाए थे, पार्टनरशिप दी क्यों नहीं, फर्स्ट डे से तुमने धोखा क्यों किया उनके साथ, ये पूछना, फिर भी वो तुम्हारा साथ देते रहे,